वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साकिब का ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। सो इस थंबनेल और टाइटल से आप लोग का अंदाज़ा लग चुका होगा कि हमारा आज का वीडियो किस बारे में है। सो अभी मैं आया हूँ मुंबई के माहिम में। सो मेरे ऑफिस के एक कलीग है, थोड़ा वो कैमरे पे शाय करते हैं, तो अभी वो कैमरे पे आना नहीं चाहते, पर उनको उनके जो फार्म हाउस पनवेल में उनको डर्ट बाइक लेनी है। माहिम में एक MNST सेलर है, उनके पास आपको डर्ट बाइक, ATV, बाइसिकल्स आपको बहुत सारे आपको देखने मिल सकते हैं। आप लोग देख सकते हो इनके पास डर्ट बाइक अवेलेबल है, और कौन कौन सी CC की ये डर्ट बाइक होने वाली है मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। अभी शॉप के ओनर थोड़ा बिजी है, तो आप उनसे बात करने वाले हैं उनके पास कौन कौन से प्राइस के डर्ट बाइक अवेलेबल है, उसकी क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या प्राइस में मिलती है। मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर ओके सर, अभी मैं पहुँच चुका हूँ मुंबई के सबसे बड़े डर्ट बाइक और ATV के होलसेलर के शॉप पे। तो हमारे साथ इस शॉप के ओनर है तुषार भाई, कैसे हो आप? अच्छा हूँ साकिब भाई, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुषार भाई, सबसे पहले आपकी शॉप का नाम क्या है हमारी? शॉप का नाम है MST सेलर। ओके, हम लोग जो फॉर्म है 2200 फॉर्म है, ठीक है। हाँ, हम लोग जो CKD में इम्पोर्ट करते हैं जी, ठीक है, और डर्ट बाइक गाड़ी बाइक वगैरह बहुत सारा बेचते हैं हम लोग। हाँ, हाँ। तो शोएब भाई, जो हमारे व्यूअर्स ये वीडियो YouTube पे और Facebook पे देख रहे हैं, तो क्या वो लोग ऑनलाइन ले सकते हैं आपके पास से? ऑनलाइन भी ले सकते हैं, पर हमारे पॉलिसी है हाँ। आप शॉप पे आओगे तो एडवांस की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर आप COD मंगाना चाहते हो 5000 एडवांस रहेगा, बाकी नहीं COD रहेगा। अगर वहाँ जाके आप कैंसिल करते हो तो वो रिफंडेबल नहीं होता है। वहाँ जाके बोलोगे 10,000 में चाहिए, 4,000 में चाहिए, तो नहीं हो सकता है। ओके, तो शोएब भाई, जरा आज का मेरा मकसद ये था आपके पास आने का कि हमारे ऑफिस के कलीग है, थोड़ा अभी वो कैमरे पे आने को शर्माते हैं, तो उनको डर्ट बाइक लेने वाले हैं, तो उनको फार्म हाउस पे चलाने हैं। तो आपके पास कौन कौन से साइज के यानी कौन कौन कितना CC के डर्ट बाइक अवेलेबल है शोएब भाई? 49 CC स्टार्ट होती है। हाँ। इलेक्ट्रिक वाली भी होती है, पेट्रोल भी होती है। हाँ, हाँ। इलेक्ट्रिक तो भाई इलेक्ट्रिक सामने पड़ी है आपके। हाँ, यहाँ पे हाँ, ये इलेक्ट्रिक है। हाँ, ये पेट्रोल वाली की बात करता हूँ, जो समय बिकती है पेट्रोल वाली जी, इससे 20,000 रुपए की आती है, 22,000 रुपए की आती है, 25,000 रुपए की आती है। ओके, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 25,000 रुपए की है जी। जी, आप तीन चीज नोट कर लो। हाँ, जैसे कि आप एक रेडीमेड, अभी आप रेडीमेड शर्ट ले रहे हो। हाँ, और एक शर्ट सिला के ले रहे हो जी। जी, तो रेडीमेड शर्ट आपको सस्ता पड़ जाता है। हाँ, ये मतलब दोनों बाइक चाइना से आ रही है जी। जी, ठीक है, और कोई बोल रहा है मेड इन इंडिया है। हाँ, तो भाई जाके बोला फैक्ट्री दिखा दे तेरी जी। जी, ठीक है, तो हम लोग अब चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और असेंबल इंडियन कर रहे हैं। हाँ, तो ये 25,000 रुपए की है, 22,000 की भी आती है, 20,000 रुपए की भी आती है। हाँ, इसका फिल्टर की फोटो ले लो आप। ओके, हाँ, ये पूछ रहा है प्लास्टिक में। शोएब भाई, कितना CC की हो सकती है? 49 CC की, 49 CC की, मतलब चला सकते हो, आपके वीडियो में देख सकते हो। हाँ, 49 CC की, मतलब 25 की पेट्रोल बाइक है। हाँ, इसमें सॉफ्टसर भी पीछे भी जी। जी, रियल बाइक की तरह सॉफ्टसर है जी। ठीक है, और ये पीछे इसमें इसके बाद आती है 125 CC की। 49 CC जो है 25,000 रुपए की है, 20,000 रुपए की भी, 22,000 रुपए की भी, डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी ले रहे हो। ओके, ठीक है, तो मेरे जो फ्रेंड है ना, उनको उनका नाम असलम भाई है, तो असलम भाई को ये वाली पसंद आ चुकी है। तो शोएब भाई, इसके ऊपर कुछ स्टिकर लगेंगे क्या? इसके ऊपर स्टिकर लगना बाकी है। हाँ, मॉन्स्टर के मतलब जो स्टिकर लगते हैं इसमें। हाँ, तो ये 125 CC है, इसका शॉप से देखोगे, 125 CC, ओके, इसका शॉप से देखोगे ना। हाँ, आपको डर्ट बाइक का बढ़िया फिनिंग आएगा जी। ठीक है, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ATV भी मेरे पास है। हाँ, इसमें 5 कलर आते हैं, इसमें 5-6 कलर आते हैं। ओके, हाँ, ओके शोएब भाई, ये सब उसके कलर्स है ना इसमें? हाँ, इसमें कलर्स है। हाँ, ठीक है, ये वाली 80 भी है। हाँ, 135 CC है। हाँ, इसमें मेरे पास 4 मॉडल है। हाँ, और 200 CC भी है, 250 भी है, 500 CC भी है जी। तो अलग अलग मॉडल्स है। हाँ, और इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट भी है। हाँ, और पुल स्टार्ट भी है। हाँ, तो आप चला सकते हो। और इसका क्या पेट्रोल पे चलती है ना? ये भी पेट्रोल पे चलती है, बीचेस फार्म हाउस वगैरह पे चला सकते हो। हाँ, और बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि डर्ट बाइक रोड पे कितनी चला सकते हो। हाँ, बस इसके जो टायर है ना, बटन टायर है। हाँ, किसी के पॉपर चढ़ा दोगे खून खून हो जाएगा जी। जी, बटन टायर होने की वजह से। और आपका सॉफ्टसर हो गया, ये व्हीली वगैरह के लिए होती है, स्टंट के लिए होती है बाइक। भाई मेरा जो फ्रेंड है, इसको अपने फार्म हाउस पे चलाने वाला है, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आने वाली? फार्म हाउस पे कुछ चला सकते हो, बीच पे चला सकते हो, सर्विस मतलब आपके एरिया में चला सकते हो, आप रोड पे नहीं चला सकते हो। ओके, तो अगर कोई हमारा व्यूअर्स ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, वो चाहता है कि रोड पे चलाए मुंबई के, तो मुंबई के रोड पे आने? मुंबई रोड पे अलाउड तो है नहीं, पर जो भी चला रहे हो तो आपके रिस्क पे चला रहे हो। हाँ, और हम लोग का कोई मतलब रोड लीगल है ही नहीं बात जी। जी, रोड पे नहीं चला सकते ना ये बाइक? हाँ, नहीं चला। अगर आपको चलानी है तो आप अपने फार्म हाउस पे चला सकते हो, और कहाँ पे? बिल्डिंग कंपाउंड में, बिल्डिंग कंपाउंड में चला सकते हो, कंपाउंड में चला सकते हैं, गार्डन वगैरह पे चला सकते हो। ओके, या कोई बंद स्पेस होती है, ऐसे गाड़ी हम सीखते हैं जहाँ पे, वहाँ चला सकते हैं, जहाँ पे खुद का बंगला है उसके अंदर, यानी खुद की प्रॉपर्टी में चला सकते हो। ओके, तो शोएब भाई, इसमें कितने कितने CC ATV आपके पास मिल जाएगी हमारे व्यूअर्स को? भाई मेरे पास 49 CC भी है, 49 CC आउट ऑफ स्टॉक है फिलहाल। 80 CC आती है, 125 आती है, 135 आती है, 200 आती है, 250 CC आती है, अलग अलग आती है। ओके, और उसका प्राइसिंग क्या रहेगा शोएब भाई? भाई ये वाली है ना 135 CC है। कितना? 135 CC। हाँ, ये वाली 85,000 की है, इसमें 78 की भी आती है, 78 की भी आती है, इसमें एक्साइड की बैटरी नहीं रहेगी, इसमें हाँ, एक्साइड की बैटरी होती है। और ये सब में हम लोग जो बैटरी वगैरह यूज करते हैं, एक्साइड की यूज करते हैं। हाँ, और इसकी मैं आपकी 49 CC डर्ट बाइक की बात करता हूँ। हाँ, आगे भी जो सॉकअप सर है जी, जी ये सेल्फ स्टार्ट चला सकते हो, पुल स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हो जी। जी, सेल्फ स्टार्ट की बैटरी डाउन होती है, तो कवर दिया हुआ पानी, यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हो। ये फिल्टर की फोटो ले लो,
जी जी। और आपका ये जो स्पार्क प्लग में चलती है वो सीडिया भी चलती है। ओके, तो शोएब भाई ने इसमें जो टैंक आता है पेट्रोल का वो कितना लीटर का? 1.5 लीटर का होता है, पर बहुत सारा 1.2 बन रहा है आपको। ओके, ओवर फ्लो पाइप लीक होता है यहाँ से। ओके, और इसमें भी उतना ही आएगा कि इसमें भी? भाई इसमें 4 लीटर की टाकी है। 4 लीटर की टाकी इसको, ये 400 इंजन है, इसको फुल टाकी भर के रख सकते हो। ओके, तो शोएब भाई हमारे जो फ्रेंड है उनको ये वाली बाइक पसंद आ चुकी है, तो सर कितना प्राइस होने वाला है? 53,000 की भाई। 53,000। और भाई यहाँ पे नेगोशिएट नहीं होता है, आपको ये पता है भाई। जी वो तो बराबर है भाई। और शोएब भाई, अगर हमारे कोई व्यूअर्स आपके पास से, मैंने वहाँ पे एक बोर्ड देखा था कि आपके पास EMI फैसिलिटी अवेलेबल है, फाइनेंस EMI भी होता है, क्रेडिट कार्ड बजाज फाइनेंस होना चाहिए, आपकी लिमिट पे डिपेंड करता है कितनी लिमिट है, उस पे EMI हो जाता है। ओके, और जो हमारे व्यूअर्स ये वीडियो मुंबई के बाहर से देख रहे, तो क्या वो लोग ये ऐसी बाइक बुक कर सकते हैं? मैं बुक कर सकते हो ना, 5-6 एडवांस देके बुक कर सकते हो। EMI करना है तो वो EMI बुक कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड या फिर आपके पास डेबिट कार्ड पे अगर होता तो हो जाएगा, और बजाज फाइनेंस में भी हो जाएगा। जी जी, ओके, थैंक यू। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये वाली डर्ट बाइक 125 सीसी की डर्ट बाइक है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे एक ऑफिस के कलीग को उनके फार्म हाउस पे चलाने के लिए डर्ट बाइक लेनी थी, तो उन्होंने ये वाली डर्ट बाइक बुक की है। तो भाई थोड़ा शॉकअप सर जरा करके बताओ ना, कैसा शॉकअप सर है देखो। ओके, तो ये 125 सीसी की डर्ट बाइक है और पेट्रोल पे चलने वाली डर्ट बाइक है, और बहुत ही अच्छी हमको डील मिली है शोएब भाई की तरफ से, और उन्होंने हमको इसको 53 में दिया डिस्काउंट करके। अगर आप भी मेरी तरह और मेरे ऑफिस के दोस्त की तरह आप भी डर्ट बाइक लेना चाहते हो फार्म हाउस के लिए, तो आप ज़रूर शोएब भाई के शॉप पे विज़िट कर सकते हो। उनके शॉप का जो भी एड्रेस है मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और शोएब भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये पेट्रोल पर चलने वाली ऐसी कुछ डर्ट बाइक है, 125 सीसी पेट्रोल पर चलने वाली डर्ट बाइक। बिग थम्स अप MNST सेलर्स।